الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم गिरामी कदर सामी, पिछली जुमा में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का करबला के मैदान में आखिरी नसीहत करना और नसीहत के दौरान शिमर बिन ज़िल जोशन ने आप पर हमला किया और वहीं से घमसान की लड़ाई और जंग शुरू हुई, वहां तक बात पहुंची हुई थी। शुरू से हम पूरा किस्सा सुनते चले आए हैं कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हक की खातिर अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने नाने का दीन सही मानों में जिस तरह आपने पहुंचाया था कयामत तक के आने वाले इंसानों तक इसी तरह मीन व अन पहुँचे, इसकी आप कोशिश और आप सही करते रहे और मेहनत करते रहे। यहाँ तक मेहनत करते रहे कि आखिरी मौका ये आया कि अपनी जान भी खाली की हकीकी को देना पड़े तो जान भी कुर्बान करके शहीद हो जाना मंजूर था, लेकिन ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में कोई कमी आए या दीन के अंदर कोई तगैयुर और तबद्दुल हो या बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। चुनांचे आपने हत्तल इम्कान बड़ी कोशिश और काविश की कि किसी भी हाल के अंदर जंग खत्म हो जाए और जंग न हो, इसलिए कि जंग का अंजाम कुछ अच्छा नहीं हुआ करता है, जानिबैन से बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है और बर्दाश्त करना पड़ता है। इसलिए आप आखिर तक यही कोशिश करते रहे और यही मेहनत करते रहे कि किसी हाल में भी जंग न हो। 10 मुहर्रमुल हराम है, फजर की नमाज के बाद आप मैदान कारसार में तशरीफ लाते हैं, उस वक्त भी आप एक नसीहत करके कहते हो या युहन्नास इस्मऊ कौली वला ताजलूनी। ऐ मेरे साथियों, ऐ लोगों, तुम मेरी बात को सुनो और अभी भी जंग न करो, अभी भी जल्दी न करो। हत्ता ईद हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम्हें वो नसीहत और वो बातें और वो अकवाल और वो अहदीस पेश कर दूँ जो मेरे जिम्मे दीन के तहत वाजिब
ताकि मैं वो बातें कहकर तुम्हारे ऊपर अपना जो दीन का फर्ज है वो अदा कर दूं। और अगर तुम्हारी समझ में ये बात आ जाए और तुम मेरी बात को कबूल कर लो और मेरी बात की तस्दीक करते हुए इंसाफ करोगे तो फिर मेरे ऊपर तुम्हारा कोई गुजर नहीं। और अगर तुम मेरी बात को कबूल नहीं करते हो, मेरी बात की तस्दीक नहीं करते हो और मेरे साथ इंसाफ का मामला नहीं करते हो तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम चाहे बस, फिर तुम मुझे मोहलत न देना। ये बात आप कह रहे थे, अभी अपना खुतबा अपनी तकरीर पूरी नहीं हो रही थी कि शिमर बिन जिल जोशन ने आप पर तलवार का हमला कर दिया और वहीं से फिर लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई जब शुरू हुई तो हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के भी कई साथी शहीद हुए। और यह है कि जो 5000 का लश्कर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की तरफ से आया हुआ था, ये भी कई कत्ल हुए। लड़ाई होते होते जोहर का वक्त हो गया, तो आपने जोहर की नमाज सलातुल खौफ की हैसियत से पढ़ी, वो अलग से एक तरीका है। लेकिन यह है कि आप देखिए मैदान कारसार आपस में एक दूसरों की तलवारें मयान में से निकली हुई हैं, दोनों तरफ से तीर और नेजों और तलवार से हमला जारी है। लेकिन नमाज का वक्त हुआ तो हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले जोहर की नमाज सलातुल खौफ की हैसियत से पढ़ी। उसको मुख्तसर समझ लीजिए कि कुछ साथी लड़ रहे हो और कुछ साथी नमाज पढ़ रहे हो, फिर वो साथी नमाज पढ़ ले, फिर जो लड़ रहे थे वो साथी जाकर नमाज पढ़े, उसको सलातुल खौफ का एक तरीका है उसको कहते हैं। या ये हमें देखना है के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अजान मुबारक जो हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के कानों में पैदाइश की वक्त पड़ी हुई थी, आपने इसको बराबर याद रखा और अपनी जान की आखिरी वक्त और आखिरी मरहला है इसके बावजूद नमाज को आप नहीं छोड़ते। इससे मालूम ये होता है कि नमाज की कितनी अहमियत है। इसीलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक में फरमाया बुनी अल इस्लाम अला खमसी हक्ताला शानु अम्मनवालहू ने दीन इस्लाम की और इस्लाम की बुनियाद जो है वो पाँच चीज़ों पर रखी है। इसमें सबसे पहले शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के एक होने की शहादत और गवाही देना और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और अल्लाह के रसूल हैं उसकी शहादत देना। और दूसरे नंबर में फरमाया इकामिस्सलाह नमाज को कायम करना। अजीज दोस्तों ये नमाज ईमान के बाद सबसे पहला फर्ज है, इसीलिए कयामत के दिन जब इबादत की लाइन से सवाल किया जाएगा और पूछा जाएगा तो हदीस पाक में आता है अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्द यौम अल कियामा अस्सला फइन सलहत सलहा साइरु अमलिहि वइन फसदत फसदा साइरु अमलिहि औ कमा काल। के इबादत की लाइन से कयामत के दिन सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ अगर पूछ होगी तो ये नमाज की होगी। आगे आपने फरमाया अगर नमाज सही निकल आई और नमाज अपने आमाल नामे में ठीक निकल आई तो बकिया अमाल भी ठीक निकल आएंगे, सही निकल आएंगे। वइन फसदत फसद साइरु अमली, और अगर नमाज सही नहीं निकल आई, नमाज की पाबंदी नहीं थी, फराइज को तर्क कर दिया था, नमाज में गफलत कर रखी थी, तो इसके बाद के जितने दिगर फराइज हैं और जितने शरीयत के अहकाम हैं प्यारे आका ने फरमाया वो भी ऐसे ही होंगे, यानी और भी सही नहीं होंगे। इसीलिए हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु जब आप अपने गवर्नर को, जब आप खलीफतुल मुस्लिमीन थे अमीरुल मोमिनीन थे,
तो गवर्नर को जब खत लिखते थे तो खत के दौरान जब उस कस्बे की, उस शहर की, उस सूबे की जो भी कुछ कार्रवाई करनी होती थी, इसको लिखने से पहले आप नमाज के बारे में लिखते थे और ये फरमाते थे इन्ना हम अम्रिकुम इंदियस्सला फमन हफिदा व हाफज अलैहा हफिज दीनहु व मन ज़य्यअहा लिमा सिवा फहुवा अज़। के मैं तुम्हें गवर्नर बनाकर, हाकिम बनाकर भेजता हूँ, तुम्हें उस सूबे में, उस जगह में काम तो करना है और हुकूमत के तमाम उमूर को अंजाम देना है और सही इंतज़ाम करना है, लेकिन इन तमाम कामों में, जितने भी काम हैं, इन सब में अहम काम मेरे नज़दीक जो है वो नमाज। और फिर फरमाया इन्ना हम अम्रिकुम इंदियस्सला फमन हफिज़ा व हाफज़ा अलैहा हफिज़ा दीनहु। अगर तुम नमाज की पाबंदी करोगे, नमाज की हिफाजत करोगे, नमाज को अवकात पर पढ़ोगे और नमाज को तर्क नहीं करोगे, नमाज में गफलत और बेतवज्जुई नहीं बरतोगे, तो हफीज़ दीन हो, तो समझूंगा मैं कि तुमने अपने दीन को पूरे के पूरा महफूज रखा, अपने दीन को कायम रखा और अपने दीन पर चल रहे हो। और अगर सुनो, तुमने नमाज को ज़ाये कर दिया, नमाज को नहीं पढ़ा, नमाज में गफलत पर दी और इधर उधर कर दिया, तो फिर इसके बाद में समझूंगा कि कोई काम तुम्हारा ढंग से न हुआ होगा और कोई काम में न सलीका होगा और न कोई काम तुम्हारा अच्छा होगा। ये हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने हमेशा गवर्नरों को, हाकिमों को ये नसीहत लिखा करते थे। और क्यों ना लिखते, इसलिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैन अल इस्लाम वल कुफ्र, इस्लाम के दरमियान में और कुफ्र के दरमियान में अगर कोई फर्क करने वाली चीज़ें और कोई जुदाई करने वाली चीज़ें और कोई तमीज करने वाली चीज़ें और कोई पहचान करने वाली चीज़ें, तो ये नमाज। इसीलिए आपने एक हदीस में फरमाया मन तरक सला मुतामिदन फकत कफर, जिस किसी आदमी ने नमाज को जानबूझकर छोड़ दिया और नमाज की परवाह नहीं की और नमाज में गफलत और सुस्ती बरती, तो आपने फरमाया फकत कफर, तो उस आदमी ने गोया कि कुफ्र कर लिया। अगर हदीस का तर्जमा अल्फाज का कर दे जाए तो सीधा तर्जमा ये होगा कि तहकीक के वो आदमी काफिर हो गया। इतनी अहमियत नमाज की आप अलैहिस्सलाम ने फरमाई हो, तो फिर कैसे अपने नवाज से उस नमाज को छोड़ सकते। इसीलिए फरमाया ये तो हो सकता है कि जान चली जाए और शहीद होना पड़े, कत्ल होना पड़े, लेकिन यह है कि नमाज हमसे छूटे, ये हो नहीं सकता। और इसलिए भी कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब करते हुए फरमाया था अस्सलातु कुर्रतु आईनी, कि नमाज ये मेरी आंखों की ठंडक है। जो आदमी मुझे सुकून पहुंचाना चाहता है, मुझे राहत पहुंचाना चाहता है, मुझे खुश करना चाहता है, तो चाहिए कि वो आदमी नमाज की पाबंदी करे। इसलिए कि जो आदमी नमाज पढ़ता है तो नमाज ये मेरे आंखों की ठंडक है। सिर्फ आखिरत ही का फायदा नहीं है, हम बारह फजाइल आमाल में सुनते ही रहते कि आदमी नमाज की पाबंदी करता है तो हक ताला शान व अम्म नवाल उसकी दुनिया भी बना देते और आखिरत भी बना देते। जो आदमी नमाज की पाबंदी करता है तो सबसे पहला मसला हम सब का होता है रिज्क का और रोजी का, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक हर एक इंसान के दिमाग में जो फिक्र सवार होती है और जो टेंशन होता है, जो हर वक्त उसको एक फिक्र रहती है, वो होती है रोजी। फजर से पहले भी उठेगा, फजर के बाद भी उठेगा, रात को लेट भी आएगा, फिर सुबह जल्दी भी जाएगा, तो जहन के अंदर एक चीज सवार होती है
कि किसी भी तरीके से हमें रोजी मिलनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हलाल रोजी का कमाना बहुत बड़ा फर्ज है, बल्कि आपने एक हदीस में तो फरमाया कि तलबुल हलाली फरीजतुन बादल फरीजा, कि जिस तरह नमाज फर्ज है और नमाज के पढ़ने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अजर सवाब अता फरमाते हैं, इसी तरीके से हलाल रोजी के कमाने पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाब अता फरमाएंगे। और खुद हलाल रोजी के बारे में हक ताला शान व अम्मन वालहु ने अपने अंबियाओं को फरमाया, या अय्युहर रुसुल कुलु मिनत तय्यिबाति व अमलु सालिहा, ऐ पैगंबरों की जमात और ऐ नबियों की जमात ऐ रसूलों की जमात, कुलु मिनत तय्यिबात, हलाल उम्दा पाकीजा चीज़ों को इस्तेमाल करो, खाओ, व अमलु सालिहा, और भले अमल करो और नेक अमल करो। तो अजीजों रोजी का कमाना ये भी फर्ज है, और फर्ज को अदा करने में जो अजर सवाब मिलता है और रोजी के कमाने में भी अजर सवाब मिलेगा। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा नमाज का एहतिमाम कर लेता है, नमाज की पाबंदी कर लेता है, तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी रोजी की तंगी को दूर कर देते हैं और इसको रोजी अता फरमाते, और सिर्फ रोजी अता नहीं फरमाते बल्कि आपने फरमाया इसकी रोजी में अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत अता फरमाते, थोड़ी से हिस्से में थोड़ी सी चीज़ों में उसका बड़ा काम हो जाता है। तो नमाज सिर्फ आखिरत के मसाइल को हल नहीं करती है, आखिरत के मसाइल तो है ही है, लेकिन यह है कि नमाज जो है वो दुनिया के मसाइल को भी हल करती थी। इसीलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अजीज दोस्तों किसी की हिम्मत और मजाल नहीं होती थी कि वो आदमी नमाज को छोड़े। और तरके नमाज पर, नमाज के छोड़ने पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो जलाल आ जाता था और जो आपके अंदर गुस्सा आ जाता था, किसी और फर्ज के छूटने पर इतना आप खफा नहीं होते थे, इतना आप नाराज नहीं होते थे जितना के तरके नमाज पर आप नाराज होते। कभी कभी आप फरमा दे, मेरा जी चाहता है, मेरा इरादा होता है कि मैं कुछ नौजवानों को जमा करूं और इनसे कहूं कि आप लोग जंगल में जाओ और जंगल में जाकर जंगल की लकड़ियों को ले आओ, एक जगह इकट्ठा करो और जमा करो। और फिर आप फरमाते कि फिर मुझे होता है कि किसी को नमाज पढ़ने का मैं हुक्म कर दूं कि वो नमाज पढ़ाए, और फिर मैं उनके घरों पर जाऊं जो लोग नमाज में नहीं आते और जो नमाज को छोड़ दे, फिर इनको मैं उनके घरों को आग लगा जला दूं। ये कौन फरमा रहे हैं? हम सोचे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आई है कि किसी काफिर का और मुशरिक का जनाजा भी जाता है तो आपकी आंखों से आंसू डल होते, आप रोते हैं और सोचते हैं कि हो सकता है कि अल्लाह न करे इसको मेरे दीन की दावत न पहुंची हो और ये कयामत के दिन जहन्नम की आग में जलेगा, तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा और मैं कैसे गवारा करूंगा कि ये भी तो एक मेरा उम्मती था जिसको कलीमे वाली, ईमान वाली, दीन वाली दावत नहीं पहुंची और आज बगैर कलीमे के, बगैर ईमान के दुनिया से जाएगा और ये कयामत तक और जहन्नम के अंदर हमेशा हमेशा के लिए चलेगा। तो आपको इस काफिर के मरने पर भी अफसोस कम होता था और आपकी आंखों से आंसू निकलते थे। और जब नमाज की बारी आती है तो आप अलैहिस्सलाम का जलाल देखिए, हम भी उम्मती हैं अजीजों, हमारा हाल नमाजों के बारे में क्या है? किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, हम खुद अपने ग्रेबान में मुंह डाल कर देखिए कि हम कितनी नमाज की पाबंदी करते, दावा कितना करते हैं इश्क का, मोहब्बत का, और न मालूम कितने हमारे जुबान पर अल्फाज आते हैं दीन के बारे में, लेकिन नमाज के बारे में हम देखें मेरी और आपकी क्या हालत है? अगर मैं नमाजी हूँ तो मेरी फैमिली, मेरा घर क्या हाल है? बालिग बच्चों का क्या हाल है? अगर मेरा घर नमाजी है तो मेरे अड़ोस पड़ोस के हालात क्या है? मेरे अड़ोस पड़ोस के अंदर से कितने नमाजी हैं और कितने अल्लाह के फराइज को अदा करते हैं? अजीज दोस्तों, इसकी भी हमें थोड़ी सी अपने दिल पर बात लेने की जरूरत है। ये इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला, जोर का वक्त आपको मालूम है कि उमर इब्न साद ने पानी बंद कर दिया, तीन दिन के प्यासे हैं, जंग हो रही है, न प्यास न पानी मिल रहा है,
इस हाल में जंग कर रहे हैं, इस हाल में लड़ रहे हैं। अजीज दोस्तों, किसी ओहदे के बिना पर नहीं लड़ रहे थे, किसी कुर्सी के बिना पर नहीं लड़ रहे थे, किसी माल और मता के बिना पर नहीं लड़ रहे थे, किसी जागीर की बिना पर, जमीन की बिना पर नहीं लड़ रहे थे। लड़ रहे तो अहयाए दीन के लिए, दीन जिंदा हो, आकाम जिंदा हो, शरीयत जिंदा हो, इसके लिए लड़ रहे थे। नमाज का वक्त हो रहा है, क्या हाल होगा, लग बदक मैदान होगा, दरख्त का साया भी नहीं था, बिल्कुल चट्टियल मैदान, इसमें तपिश गर्मी और सामने से 5,000 का लश्कर हो और तलवारों की बुछार हो, नेजे चल रहे हो, तीर चल रहे हो, इस वक्त भी इमाम हुसैन को फिकर है। तो फरमाया कि नहीं, हम नमाज जोर की नमाज पढ़ रहे हैं। अंदाजा लगाइए क्या हाल होगा उस वक्त का, जिस वक्त की ये नमाज अदा कर रहे हो। आपने नमाज अदा की, नमाज के बाद फिर आप बराबर लड़ते रहे, यहाँ तक लड़ते रहे कि अहले बैत भी शहीद हो गए, आपका 2 साल का बच्चा भी शहीद हो गया। अंदाजा लगाओ 2 साल के बच्चे, इतना खूबसूरत और प्यारा बच्चा, ये भी शहीद हो गया। अब तन्हे तन्हा इमाम हुसैन बाकी और कोई बाकी नहीं। एक तरफ पूरा लश्कर है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का और एक तरफ हजरत इमाम हुसैन के साथियों में से तमाम ने जान दे दी और तन्हे तन्हा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला। जब आप तन्हा रहे, आसमान भी देख रहा है, फरिश्ते भी देख रहे हैं, अल्लाह का जलाल भी देख रहा है, लेकिन चूंकि इमाम हुसैन को बड़ा मकाम देना था, बड़ा मर्तबा देना था, ऊंचा मकाम आखिरत में देना था, और दुनिया वालों को ये बताना था कि देखिए दीन के खातिर अगर ऐसे हालात भी आ जाए, दीन के खातिर ऐसे मौके भी आ जाए, तो दीन को ना छोड़ा जाए, जान देना पड़े तो दे दी जाए। ऐसे हालात जब आप तनहाए, दुश्मन सब और किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला को शहीद और कत्ल करके अपने ऊपर गुनाह ले, इसलिए सामने का लश्कर भी कुछ तवक्कुफ कर गया, मौकूफ हो गया। लेकिन इस जरीर और बहादुर और दिलेराना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला ने अपना मकाम बताते हुए बताया कि मैं अगर चेतना हूँ, लेकिन मेरी जुरत में, मेरी शुजात में, मेरी बहादुरी में आई दुश्मना ने इस्लाम कोई फर्क आने वाला नहीं। आप इस लश्कर के अंदर घुसे और बराबर किताल करते रहे, दुश्मनों को मारते रहे, यहाँ तक के किसी की हिम्मत नहीं तो कबीले कुनिंदा का एक बदबخت शकी तरीन नसीर इब्न मालिक खड़ा हुआ, आगे बढ़ा और आपके ऊपर तीर तलवार का वार किया, जिससे आपको थोड़ा सा खफीफ सा जख्म लगा। जैसा ही जख्म लगा तो वही शिमर बिन ज़िल जोशन, जिसने पहले भी आप पर वार किया आपके लश्कर पर, यही आगे बढ़ा और 10 साथियों के साथ आप पर एक साथ हमला कर दिया। जब एक साथ आप पर हमला किया अजीज दोस्तों, तो 3 दिन के प्यासे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जान जाने आफत को सहा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या गुजरी होगी उस इमाम हुसैन पर, 55 साल की उम्र में आप शहीद होते। जब आप शहीद हुए हैं तो आपके जिस्म अतहर पर और जिस्म मुबारक पर तीरों के और तलवारों के नेजे देखे और निशानात देखे जाते तो तकरीबन नेजों के 33 निशानात और तलवारों के 34 निशाना आपके जिस्म अतहर पर। ये दीन हमें पहुंचा अजीज दोस्तों, इन कुर्बानियों के बाद दीन पहुंचा है। हमने इमाम हुसैन के वाक्य को पढ़ लिया और सुन लिया और पढ़ा लिया, बयान कर दिया, इससे दीन जिंदा नहीं होता है अजीज दोस्तों। ये कोई कहानियां और वो ये कोई किस्से नहीं है, ये हकीकत है कि दीन जिंदा करना हो तो ऐसी कुर्बानी देनी पड़े तो हम देंगे, तब तो ये दीन बाकी रहेगा और दीन जिंदा रहेगा। और ये भी याद रखो, अगर दीनदार को सताया गया, दीनदार को परेशान किया गया और इनके नाहक इन पर जुल्म किया गया, तो हक ताला शान व आम मनवालहु का अटल फैसला है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को छोड़ते भी नहीं। हजरत इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं कि जितने
قاتلان حسین تھے, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت میں شریک تھے. حق تعالیٰ شانہ عام نوالہ انہیں دنیا میں بہت ہی عبرتناک سزائیں دی, بہت ہی عبرتناک. کسی کے چہرے کو سیاہ کر دیا, کسی کے چہرے کی شکل کو بدل دی, مسخ کر دیا, اور کسی کو دردناک سزا دیا. چنانچہ ترمذی کی ایک روایت مختصراً عرض کر کے ختم کرتا ہوں. حضرت عمارہ ابن یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم نے اشتر کا زمانہ آیا تو انہوں نے قاتلان حسین کو قتل کیا اور مسجد کوفہ میں جامع مسجد میں سب کی گردانوں کو جمع کیا اور صحن کے اندر ان کو رکھا گیا. جب ان کو رکھا گیا تو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگا رہے تھے اور جمع ہو رہے تھے. تو حضرت عمارہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں بھی اس بھیڑ کے اندر دیکھنے کے لیے گیا کہ دیکھو تو صحیح لوگ کیوں بھیڑ لگاتے ہیں اور لوگ کیوں شور و شغب کرتے ہیں, لوگ کیوں چلاتے ہیں. تو جب میں اس بھیڑ پر پہنچا ہوں تو وہاں پر ان سب کی گردنیں, ان سب کے سر رکھے ہوئے ہیں اور ایک سانپ, ایک بہت بڑا اژدہا نمودار ہوتا ہے اور ان کھوپڑیوں کے اوپر پھرتا ہے. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد عبیداللہ ابن زیاد کے سر پر جاتا ہے اور سر میں سے پھر اس کے ناک کے اندر داخل ہوتا ہے اور ناک میں سے داخل ہونے کے بعد تھوڑی دیر اندر رہتا ہے اور اس کے بعد نکل کر غائب ہو جاتا ہے, پھر آتا ہے, پھر اس طرح ہوتا ہے, بار بار ایسا ہوتا ہی رہتا ہے. یہ عذاب دیا اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناحق قتل کیا, آپ کو شہید کیا. اسی طریقے سے شمر ابن ذیل جوشن کا کیا حال ہوا جب مختار حکومت پر آیا اور انہوں نے عراق میں اور کوفہ میں اعلان کیا کہ امام حسین کے قتل میں جو بھی شریک تھے ہم ان کا قصاص لیں, انہوں نے بھی یہ حال کیا. اور پھر شمر بن ذیل جوشن کو جو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو کتوں کے سامنے پھینک دیا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ شہید کربلا کے واقعے میں لکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ کا یہی اصول ہے, کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. ایسے ہی دنیا میں اللہ تعالیٰ عذاب دیتے, آخرت کا تو اور عذاب ہوگا. عزیز دوستو, دین کے خاطر اگر کوئی شہید ہوئے اور کسی نے ان کو شہید کر دیا تو ظالموں کو حق تعالیٰ شانہ پکڑتے ہیں اور اللہ کی پکڑ کے اندر آواز نہیں ہوتی ہے. سنستدرج من حیث لا یعلمون, حق تعالیٰ شانہ عم نوالہ بھی نوالو, ہمیں حق پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا.